और अब खबर जयपुर से है, जहां प्रदेश में 3 दिसंबर को राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर मतगणना होनी है। पूरे प्रदेश की जनता मतगणना को लेकर टकटकी लगाए हुए है। बात करें राजधानी जयपुर की तो 19 विधानसभा सीटों की जिनकी मतगणना राजस्थान कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज में होनी है। मतगणना को लेकर सुरक्षाएं चाक चौबंद है। वहीं प्रशासन की तरफ से त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुरेश कुमार गोयल ने। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और उसको लेकर 3 तारीख को मतगणना होनी है और उसको लेकर प्रदेश में तमाम प्रदेश की जो जनता है वो टकटकी लगाए हुए हैं कि किसका प्रत्याशी जीतेगा और कौन प्रत्याशी हारेगा। अभी मैं हूँ राजस्थान कॉलेज के गेट के बाहर, जहाँ 3 तारीख को मतगणना होनी है। ये मतगणना 10 सीटों की जो मतगणना है, जयपुर की जो 10 सीटें हैं उनकी मतगणना कॉमर्स कॉलेज में होगी और 9 सीटों की जो मतगणना है वो राजस्थान कॉलेज में होनी है। और इसको लेकर बात करूं सुरक्षा व्यवस्था की तो त्रिस्तरीय जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ बनाई गई है। पुलिस की जो केंद्रीय एजेंसियाँ हैं वो लगी हुई है और जयपुर पुलिस तैनात की गई है। सुरक्षाएँ चाक चौबंद की गई है। आप देख सकते हैं कि कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज को एक प्रकार से छावनी में तब्दील किया हुआ है और यह सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। किसी प्रकार की कोई चूक है वो नहीं हो उसको लेकर राजस्थान पुलिस और CRPF GRPF की जो टीमें हैं वो तैनात की गई है। आप देख सकते हैं 3 तारीख को मतगणना होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना स्टार्ट होगी और जो तमाम राजस्थान की जो विधानसभा सीटें हैं 199 जो विधानसभा सीटें हैं उनकी मतगणना होगी और किसको सह मिलेगी और किसको मात, ये तो आने वाली 3 तारीख ही तय करेगी। कैमरा पर्सन रामनिवास गुजर के साथ सुरेश कुमार A1 TV जयपुर।